असलानी फ्रेंड, उम्मीद है सब ठीक ठाक और खैरियत से। आज मैं बनाने सिखा रहा हूँ आपको हड्डी गुड्डी का सालन। अच्छा, ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, हमारी हड्डी गुड्डियाँ धो दी थी एक डेढ़ घंटे के लिए, इसको भिगो दी थी नमक लगा के और पानी वानी चेंज कर दिया। और ये देखें, साफ़ सुथरी हो गई माशाल्लाह से। अब मैं इसमें जो मसाले हैं वो ऐड कर रहा हूँ। चार प्याज मैंने काट ली थी, स्लाइस कर ली, ये मैं इसी में ऐड कर रहा हूँ। चार दरमियानी प्याज है, दरमियानी, और एक ये लहसुन का जवा है जो मैं इसमें ऐसे ही डाल रहा हूँ। ये लौंग, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, ये तीन चीज़ें इसमें मैं इसी में ऐड कर रहा हूँ यखनी में हमारी। बाकी के जो इंग्रीडियंट वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। पानी डाल के मैं चढ़ा रहा हूँ इनको, तकरीबन पानी इतना होना चाहिए जो इसके ऊपर तक आ जाए। अच्छा, ये पानी देख लें, पानी इतना है कि ये हड्डियों के ऊपर है। और इसमें प्याज, लौंग, छोटी काली मिर्च और दालचीनी डाल के मैंने चढ़ा दी। और एक चीज़ और डाल रहा हूँ, ये है हल्दी, हल्दी का पाउडर, तकरीबन दो खाने के छोटे चाय के चमचे हल्दी का पाउडर डाल रहा हूँ मैं इसमें। थोड़े से इसको हिला के मैं कवर कर दूंगा और जब ये इसका उबाल आ जाएगा फिर हल्की आंच पे छोड़ देंगे। तकरीबन 2 से 3 घंटे लेगा ये, तो ये बीफ के हैं तो 2 घंटे में हो जाएंगे ये पाए। अच्छा, ये देखें, इसमें मसाले वसाले ऐड कर दिए, अब मैं इसको कवर कर रहा हूँ। अच्छा, ये देखें, ये हमारी हड्डी गुड्डी का सालन पकना शुरू हो गया माशाल्लाह से। और तकरीबन 2 से 2.5 घंटे के लिए मैं इसको छोड़ दूंगा बिल्कुल हल्की आंच पे, ये गल भी जाएंगे। जब ये गल जाएंगे उसके बाद जो मसाले ऐड होंगे वो मैं बता दूंगा क्या क्या इसके अंदर मसाले ऐड होंगे। ये देखें, पकना शुरू हो गया है। ये देखें, अब मैं इसको कवर करके वापसी बिल्कुल हल्की आंच पे छोड़ दूंगा। अच्छा, ये हमारी हड्डी गुड्डियाँ गल चुकी हैं बिल्कुल, ये देखें। और अब इसका हम मसाला रेडी करते हैं जो इसके अंदर जो मसाला ऐड होगा। अच्छा, ये हमने चढ़ाए थे सिर्फ, इसके अंदर हमने प्याज और एक नमक की पोटली डाली थी। अब ये गल चुके हैं, अब इसका जो मसाला बनना है वो मैं बता देता हूँ क्या क्या मसाला बनेगा इसका। अच्छा, ये हमने 400 ग्राम के करीब मैंने दही ले लिया है और इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर रहा हूँ ताकि ये दाना इसका ख़त्म हो जाए। अच्छा, ये हमारा धनिया पाउडर है, 2 खाने के चमचे धनिया पाउडर है, 1.5 खाने का चमच पिसी मिर्च पाउडर है और नमक, ये तीनों चीज़ें मैं इसी में ऐड कर रहा हूँ जो हड्डी गुड्डियों का मसाला बन बना रहा हूँ। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है और वो जो लहसुन हमने इसके अंदर उबालने में डाला था उसी को छील के हमने ग्लेंड कर लिया है, वो इसी में ऐड कर रहा हूँ मैं सभी। तकरीबन 1 छोटा प्याली के चमचे, प्याली के करीब है एक। अच्छा, आधा पाव के करीब मैं इसमें तेल ऐड कर रहा हूँ जो हम मसाला बना रहे हैं हड्डी गुड्डियों का, तो मैं इसको मिक्स कर दूँगा। बोलो, चूल्हा खोल देते हैं। अच्छा, ये देखें, पकना शुरू हो गया ये हमारा मसाला, ये देखें। अब मैं इसे थोड़ा सा हल्की आंच कर दूंगा ताकि ये गाढ़ा भी हो जाए और तेल भी छोड़ दे। अच्छा, ये हड्डी गुड्डू का जो गरम मसाला है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है। लौंग है, काली मिर्च है, ज़ीरा है, दालचीनी है और ये हमारी बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जावित्री, जायफल जो मैंने इसको पीस लिया था। अब इनको भी मैं पीस लूँगा तो तकरीबन 2 खाने के चमचे बन जाएगा। और ये प्याज मैंने फ्राई कर ली थी और इसको कूट लिया है जो हम हड्डी गुड्डी में लगाएंगे। अच्छा, ये देखें, मसाला गाढ़ा भी होना शुरू हो गया और पकना भी शुरू हो गया सही से। ये देखें, और खुशबू माशाल्लाह इतनी अच्छी आ रही है बीच में। ये हमने प्याज जो फ्राई कर ली थी इसको कूट ली, अब मैं इसमें प्याज ऐड कर रहा हूँ, तकरीबन 1.5 खाने के चमचे मैंने प्याज इसके अंदर डाली है। अच्छा, इसको इतना पकाना है कि एक ये दानेदार हो जाए, बिल्कुल ये दाना हो जाए। जितना ये ज़्यादा पकेगा इतना अच्छे हमारे हड्डी गुड्डी का मसाला बनेगा। अच्छा, ये हमारा हड्डी गुड्डी का मसाला रेडी हो गया था, अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं। अच्छा, ये मसाला भी हमने इसमें ऐड कर दिया, अब इसको थोड़ा पकाएंगे और हल्की आंच पे छोड़ देंगे, फिर ये तेल छोड़ देगा तो ये हमारी हड्डी गुड्डियाँ बिल्कुल रेडी हो जाएंगी। अच्छा, ये देखें, पकना शुरू हो गया, इसको मैं स्लो आंच पे छोड़ रहा हूँ थोड़ा सा। और ये हमने जो गरम मसाला कूटा हुआ था वो मैं इसके अंदर लगा रहा हूँ, तकरीबन 1 छोटा चाय का चमचा मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया है। अच्छा, ये हमने इसमें गरम मसाला वगैरह ऐड कर दिया सब चीज़ें,
अब मैं इसको स्लो आंच पे छोड़ दूंगा, तकरीबन आधे घंटे के लिए मैं स्लो आंच पे छोड़ूंगा, फिर इसका तेल भी आ जाएगा और ये गाढ़ा भी हो जाएगा माशाल्लाह से, तो हमारी गड्डी गुड्डियाँ रेडी हो जाएंगी। अब मैं इसको कवर कर रहा हूँ और इसको मैं हल्की आंच पे छोड़ रहा हूँ। अच्छा, ये हमारी हड्डी गुड्डियाँ बिल्कुल रेडी हो गई हैं, आधे घंटे के लिए मैंने इसको कवर करके रख दिया था, और अब इसने देखो तेल भी छोड़ दिया और गाढ़े भी हो गए माशाल्लाह से, तो इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। अब मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, ये देखें, ये ज़बरदस्त गाढ़े भी हो गए माशाल्लाह से और ज़बरदस्त गले हुए भी हैं, ये देखें, और तेल मेल सब आ गया। और जब मज़ीद ये तेल जब छोड़ोगे थोड़ा ठंडा हो जाएगा, बहुत अभी गर्म भी बहुत है ना, जब ये थोड़े से ठंडे होने लग जाएंगे और तेल आ जाएगा। इतनी प्यारी खुशबू आ रही माशाल्लाह से और ज़बरदस्त बने हुए हैं। अच्छा, ये हमारी हड्डी गुड्डियाँ माशाल्लाह से रेडी हो गई हैं बिल्कुल, और बहुत से कहते हैं कि चिपक नहीं है, तो चिपक की जो मेन पॉइंट है, जो पता लगता है लोगों को कैसे आती है वो देखते हैं, ये जमना शुरू हो गया है ना, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर बहुत माशाल्लाह से अच्छी चिपक है और खुशबू भी माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा, मैंने गार्निश के लिए गर्म मसाला रोक दिया था थोड़ा सा, वो मैं इसके ऊपर डाल रहा हूँ, और ये हमारा हरा धनिया आ गया गार्निश पे, थोड़ी सी अदरक आ गई, हरी मिर्च है, और ये लेमन आ गया। अच्छा, ये हमारे हड्डी गुड्डी रेडी हो गई है माशाल्लाह से, और ये बीफ की है, और भैंस के जो बनाने हैं आपको वो तकरीबन 4 से 5 घंटे लेता है, वो भी इसी तरह बनेंगे पाए, और अगर बकरे के बनाने वो 1 से 1.5 घंटे में हो जाते हैं, वो भी इसी तरह बनेंगे जिस तरह मैंने ये हड्डी गुड्डी बनाई है। और मजीद इसी तरह की रेसिपीज देखने के लिए सलमान को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, ओके, अल्लाह हाफिज़।